आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार। आप हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भदवर वाराणसी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद पांडुरंग जी। डॉक्टर साहब, फोन आने शुरू हो गए हैं, हम देखते हैं हमारे किस श्रोता ने पहला फोन किया है। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। अनिल कुमार गुप्ता गौंड, अशोक विहार कॉलोनी फेस टू, पहाड़िया वाराणसी। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार जी हैं, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ। क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछिए। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। प्रणाम, बताएं। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मान लीजिए किसी के साथ ऐसा ना हो, बल्कि दुर्घटना जब होती और कोई चेहरे में विकृति आ जाए, उसके चेहरा चोट से क्षतिग्रस्त हो जाए, जी जी, तो क्या ओरिजिनल शेप आ सकती है, और कहाँ कहाँ की मांसपेशियां और फैट आउट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है? चेहरे की किसी भी तरह की इंजरी हो, चाहे चेहरे की हड्डियां टूटी हो, चाहे मांस की कमी हुई हो, आप तुरंत इसी प्लास्टिक सर्जन सर का संपर्क करेंगे शुरू के 6 घंटों में, तो यथोचित आपके पूर्णतः ऑलमोस्ट पूरी की पूरी आपका फेस की पुराना स्वरूप लौटाया जा सकता है। कुछ निशान भले आ जाए, लेकिन चेहरे का स्वरूप वापस वही किया जा सकता है। लेकिन इसमें जरूरी है कि आप प्लास्टिक सर्जन से जल्द संपर्क करें। अच्छा जी सर, मतलब ऐसा है कि जो लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं, तो करवाने के बाद बस जैसे कुछ खूबसूरती देखने के लिए, तो क्या कुछ उसका बाद में हानिकारक प्रभाव? नहीं, ये बहुत बड़ी भ्रांति है, और ये हम लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं कि लोग समझते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी का कोई साइड इफेक्ट है या बाद में कोई नुकसान होगा। किसी भी सर्जरी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, पहली बात तो कॉस्मेटिक सर्जरी का भी नहीं होता है, और इसमें ये पूर्णतः सुरक्षित है, सेफ है, और ये आपको नया एक आकार देती हैं, आपको एक फंक्शन देती हैं नया, आप में नए ऊर्जा का संचार करती हैं, और इसका कोई नुकसान नहीं है। नहीं, कोई भी चेहरे की कोई भी प्रॉब्लम है, प्लास्टिक सर्जन से अगर आप जल्दी से जल्द संपर्क करेंगे तो तुरंत आपको फायदा होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं गाजीपुर से मोहम्मद सिद्दीक बोल रहा हूँ सर। हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार जी हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछिए। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम, बताएं। सर मैं HIV को लेकर कुछ जानकारियाँ चाह रहा था, जैसे कि अगर कोई मेरा फ्रेंड HIV ग्रस्त है, हाँ, मैं उससे क्या परहेज कर सकता हूँ? HIV जो है वो शरीर के सिक्रेशन से, या मतलब स्राव से ही फैलता है, जिसमें अगर कभी भी खून या बॉडी का कोई फ्लूइड टच होता है तभी आपको HIV से संक्रमण का खतरा रहता है। इसमें से सबसे कॉमन चीजें हैं जो बाजार में दाढ़ी वाड़ी बनवाना, कॉमन रेजर इस्तेमाल करना, नशे वाले लोग कॉमन सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, और सेट से भी ये फैल सकता है, यही मुख्य कारण। साथ में खाने पीने या उठने? नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। इससे कोई लेना देना नहीं जी। अगर सर बाय द वे हम दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, अगर गलती से एक थाली में अगर बैठ के खा, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर जी। चलिए धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो। हेलो। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम। जी सर प्रणाम। हाँ नमस्कार, आरोग्यम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? हमारे साथ आज कॉस्मेटिक सर्जन हैं, प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार, आपको कुछ पूछना है? मुझे चोट लगा था और वहाँ का मांस गुलिया गया है। जी जी, तो शरीर किस हिस्से में आपको चोट लगी थी? पाँव में। हाँ नहीं, बिल्कुल इसका इलाज हो जाएगा। आप कहीं भी अपने आसपास जो भी प्लास्टिक सर्जन उपलब्ध हो उनसे मिलकर आप करें, बिल्कुल भी इस समस्या का निदान संभव है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर, प्रणाम। प्रणाम। हेलो। हाँ पांडुरंग जी। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा हूँ मऊ जिला से, सलाहाबाद छत्ती से, अशोक चौहान। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं? हमारे साथ आज कॉस्मेटिक सर्जन हैं डॉक्टर संजीव कुमार, जिन्हें लोग संजीव शर्मा के नाम से भी जानते हैं, क्या पूछना? एक लड़की जली है जी, उसके पीठ पर जिसको मतलब हाथ मतलब जला हुआ है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब कैसे उसका सुझाव सकता है? कितने दिन पहले जली है? कम से कम हो गया 8-9 साल। 8-9 साल हो गया, तो क्या अब क्या समस्या है? जैसे कि उसको वो अच्छा देख रहे हैं, अच्छा निशान आ गए हैं, बहुत बेकार लगता है। हाँ तो बहुत ज्यादा आ गए उस पर। ठीक है, तो आप अपने आप किसी भी प्लास्टिक सर्जन से मिल लें, आजकल कई विधाएं हैं, और उससे ये जले के निशान को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है, तो आपको काफी संतुष्टि मिल जाएगी। आप एक बार प्लास्टिक सर्जन से संपर्क करके अपनी समस्या का डिस्कशन कर लें, समाधान हो जाएगा। किसी कलग में दवा से नहीं, दवा से नहीं होगा ये, इसमें प्लास्टिक सर्जरी का कोई ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, दवा से नहीं होगा। कितना समय लगता है ठीक होने में लगभग? अब समस्या के हिसाब से है, लेकिन हफ्ता दो हफ्ता आप मान के चलें। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
हाँ नमस्कार पांडुरंग जी जी, मऊनाथ भंजन से बोल रहा हूँ मैं, पीएन गुप्ता डीटी से। अच्छा गुप्ता साहब स्वागत है हमारे साथ, डॉक्टर संजीव शर्मा हैं कॉस्मेटिक सर्जन, आपका प्रश्न पूछिए गुप्ता। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार 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 डॉक्टर साहब, जरा जानना चाह रही है आप ये कॉस्मेटिक सर्जन ही है, हाँ तो ये क्या है, मैंने किस तरह की ये जो है चीज़ों। देखिए प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी एक सर्जरी की विधा है, इसमें अगर शरीर में किसी हिस्से में चोट लगे या जन्मजात कोई विकृति हो जाए उसके स्वरूप में या उसके फंक्शन में, तो उसको ठीक करता है प्लास्टिक सर्जन। और कभी कभी जब सामान्य आदमी, जैसे कोई सामान्य आदमी उसका सामान्य नाक है सामान्य कान है, लेकिन वो उससे अच्छा बेहतर स्वरूप चाहता है, तो जब सामान्य को और बेहतर करते हैं तब वो कॉस्मेटिक सर्जरी कहलाती है, और वो भी प्लास्टिक सर्जरी की विधा है। अच्छा तो ये डॉक्टर साहब क्या माने, जैसे कुछ लोग कहते हैं चेहरे को या शरीर को, किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में कॉस्मेटिक सर्जरी की जा सकती है जहां पर आपको लगे कोई विकृति है या कोई फंक्शन में कमी है। अच्छा तो ये डॉक्टर साहब कहाँ कहाँ उपलब्ध है, किन किन शहरों? ये ऑलमोस्ट आजकल सभी सामान्य बड़े शहरों में प्लास्टिक सर्जन उपलब्ध है, ऐसी कोई नई चीज नहीं है। बनारस शहर में तो इफ्रात में मौजूद है, आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब अगर चेहरे को थोड़ा और बढ़िया मैंने उसका आउटलुक देखना चाहता है तो क्या? तो अब देखिए आप चेहरे में बहुत सारी चीजें आती हैं, होठ नाक कान गाल, तो ऐसा है ना कि आप जब तक प्लास्टिक सर्जन से संपर्क करके और किस चीज में आप क्या परिवर्तन चाहते हैं जब तक आप डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक कोई भी फैसला लेना उचित नहीं होगा। ठीक है धन्यवाद। धन्यवाद ठीक है। हेलो हाँ सर नमस्कार। नमस्कार आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? हम सर मदन लाल बोल रहे हैं सर, पहले बात तो आपको नमस्कार सर जी, अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, जाफरगंज चंदनपुर। डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं, कॉस्मेटिक सर्जन हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव शर्मा जी, पूछिए क्या पूछना है। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे हमारा जो घुटनों है सर ये कटोरिया जो है हम ना फैलता है ना बदलता है, तो इसके बारे में कोई दुआर बताइए हमारा घुटने का। जी जी आपको हड्डी के डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, कोई चोट लगी थी क्या आपको वहाँ पर? नहीं सर हमको मस्ती फीवर हो गया था तो। हाँ तो आप एक बार जैसे आप आके एक बार अस्पताल में अपनी जांच करा लें, क्योंकि घुटने के चलने के लिए मांसपेशियां नस और जोड़ तीनों चीज की आवश्यकता होती है, जिसमें भी आपको मदद की और समाधान की जरूरत होगी हम लोग जरूर आपकी मदद करें। ठीक है धन्यवाद। हेलो नमस्कार आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन? हम गाजीपुर से बोल रहे हैं सर। आपका नाम बताइए। क्या पूछना है आपको, पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब एक मेरा भाई है उसका पैर दर्द करता है। क्या है आपके भाई को समस्या? पैर से ब्लड आता है। पैर से ब्लड आता है, अच्छा कोई घाव है? घाव तो नहीं है सर, जैसे सुई के सुराख जैसे आता है उसमें से ब्लड। अच्छा आप मिल लें, हो सकता है कोई साइनस या कोई भी फिशुला जैसी प्रॉब्लम होगी, आप प्लास्टिक सर्जन से मिल लें, इसका समाधान है, आप इससे निराश ना हो, ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, आप किसी भी प्लास्टिक सर्जन से मिल लें आपका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर इसमें ऑपरेशन नौ ठहर हुआ है। जो ऑपरेशन के पुराने पर्चे होंगे आप सब ले के प्लास्टिक सर्जन से मिलिए, आप आके मिल लीजिए, आपका हम लोग कुछ न कुछ निराकरण जरूर करेंगे समस्या का। ठीक है धन्यवाद। डॉक्टर संजीव शर्मा जी, जले हुए की समस्या भी बहुत सामने आती है और खासकर जब ठंड का मौसम शुरू होता है उस समय लोग आग तापते हैं, कोई हीटर का प्रयोग करता है, कोई अलाव होता है अलाव तापता है, या घर में बोरसी होती है उसको लेके तापते हैं, और कभी कभी दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना होने पर जिनको समस्या झेलनी पड़ती है वही जानते हैं उसका क्या कष्ट होता है, इस बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। एक फोन है। हेलो। हेलो हाँ नमस्कार आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन? जी नमस्कार सर, हम आनंद कुमार बोल रहे हैं अकबरपुर अम्बेडकर नगर से। क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, पूछिए। सर जो एक मतलब पैर में जल गए थे तो वहाँ मतलब दिक्कत ज्यादा था। कितने दिन पहले जले थे? सर 2 साल पहले। अच्छा तो अब क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत जैसे अब वहाँ मांसपेशियां कम हो जाती है तो। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं इसका बिल्कुल निदान संभव है और आप बिल्कुल परेशान न हो, आप आके प्लास्टिक सर्जन से मिल लें और हम लोग बहुत ही कम समय में आपके समस्या का निराकरण कर देंगे। अच्छा सर नमस्कार। ठीक है धन्यवाद। डॉक्टर साहब जैसे आग से कोई सामान्य रूप से जल जाता है और एक तो प्राथमिक उपचार लोग घर में करते ही करते हैं, लेकिन उसके बाद कई बार होता है कि समस्या ज्यादा गंभीर होती है, दाग पड़ जाता है, चमड़ी उड़ जाती है, हड्डी दिखने लगती है, तो इसका इलाज प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से संभव है? पांडुरंग जी आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, क्योंकि हमारे समाज में अभी बहुत लोगों को यही नहीं मालूम है कि जलने के बाद किस डॉक्टर से संपर्क करना है जी। और जलना आप चाहे अभी जले हों चाहे 10 साल पहले जले हों जी,
जलने की सारी समस्याओं का निदान प्लास्टिक सर्जन ही करता है। अतः हमारे श्रोतागण ये जान लें कि अगर उनको जलने या जलने के बाद से कोई भी समस्या हो तो प्लास्टिक सर्जरी विभाग से संपर्क करना है। अब आपने कहा कि जलने पर, जलने के बाद पहला उपचार तो ये होता है कि शरीर का जो हिस्सा जला हो उसको तेज बहते हुए पानी के नीचे कर दिया जाए और लगातार उस पर पानी गिरता रहे 10 मिनट तक, जिससे कि जो गर्मी है उस जलने से वो गर्मी निकल जाए शरीर से। और दूसरी बात, उस जगह पर जहां पर उसको आग लगी है उसको वहां से हटा के दूर किया जाए, नहीं तो वहां का जो धुआं और गर्म हवा होती है उसको सांस लेते में उससे रेस्पिरेटरी बैन भी आता है, सांस की नली भी जल जाती है। जी जी। और अगर जलने के बाद आप पहले 6 घंटे में किसी ऐसे अस्पताल में पहुंच जाते हैं प्लास्टिक सर्जन जहां देखरेख कर रहा हो जी, तो आपके एक तो जान का कोई खतरा नहीं रहता है, ज्यादातर जान खतरे खत्म हो जाते हैं जी। और दूसरा, जलने के बाद जो विकृतियां आती है जोड़ों में, निशान, जो परेशानियां आती है उनमें बहुत हद तक कमी पाई जाती है जी। और अब हमारे ऐसे श्रोता जो कभी जिनके परिवार में कोई जल चुका हो, पहले गांव देहात में इलाज हुआ हो, हाथ पैर टेढ़े हो गए हो या चेहरे पर निशान दाग धब्बा हो जी, तो अब मॉडर्न साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि अब हम लोग पास बहुत रास्ते हैं इन चीजों को ठीक करने के जी। और तकरीबन हम लोग फंक्शन तो पूरा 100% लौटा देते हैं, स्वरूप में भी बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, मतलब देखने में भी वो आदमी सामान्य लड़ने लगता है, नया जीवन उसको मिल जाता है। और जलने से क्या होता है, अगर चेहरे का जला है तो नाक, कान, आंख की पलकों, इनकी विकृतियां हो जाती हैं जी, जी। और ये विकृतियां इतनी भयावह लगती हैं कि मरीज अपना सामान्य जनजीवन नहीं जी पाता है जी। इसलिए ऐसा कोई भी मरीज हो उसको मेरी गुजारिश है कि वो कहीं प्लास्टिक सर्जन से संपर्क करे और तुरंत इससे मुक्ति पाए जी। एक फोन है, हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन? मैं मंजू बोल रही हूँ, चौबीस। अच्छा मंजू जी, हमारे साथ आज प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजीव शर्मा, क्या पूछना है आपको? राजी प्रणाम, बोलिए। जो कटा होता है उसके जो नकली उपली लगाए जाते हैं पैर, तो उससे कोई भारी चीज उठाने पे कोई दिक्कत उक्कत? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार अगर आपका जो भी हिस्सा कट गया, बाद में ऑपरेशन है, किसी भी विधि से ठीक हो गया है, तो आप भारी सामान भी उठा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और अगर दिक्कत हो रही है तो किसी प्लास्टिक सर्जन से पुनः मिल लें। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और है, जलने की बात आपने की, जैसे आग से कोई जलता है, कोई एसिड से जल जाता है, आतिशबाजी से जल जाता है, और भी बहुत ऐसे प्रकार होते हैं, कहीं होता है कि शरीर का एक हिस्सा, एक भाग जला है, कई बार जब आग लगने जैसी दुर्घटना होती है उसमें शरीर का बहुत सारा भाग प्रभावित हो जाता है, तो क्या ऐसे लोगों की भी प्लास्टिक सर्जरी के जरिए चिकित्सा हो पाती है? जी पांडुरंग जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ऐसा है कि जब आदमी जलता है जी, तो वो किसी शरीर के किसी अंग तक तो वो रहता नहीं है जी, वो कोई भी हिस्सा जला होता है। और चेहरा अगर जल जाए, जैसे नाक विकृत हो गई जी, तो आजकल हम लोग नेजल रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं, नई नाक बना देते हैं, कान जल गया जी तो नया कान बना देते हैं। और अगर आपके चेहरे पर कोई निशान है या बहुत ज्यादा घाव है, शरीर का बहुत ज्यादा हिस्सा जल गया है जी, तो आजकल ऐसे ऐसे नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं, स्किन मेशर आते हैं जी, जिससे हम थोड़ी सी चमड़ी लेके उसको मच्छरदानी ऐसा बना के उसको फैला देते हैं, पूरे शरीर पर लगा देते हैं। तो टिश्यू एक्सपेंडर्स है, हमारे पास कई ऐसे साधन आ गए हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे, तो इसलिए अब जले का इलाज बड़े आसान हो गया है जी। और इनकी जो मानसिक पीड़ा होती है, जले आदमी चूंकि विकृत हो जाता है चेहरा, तो बड़ा हतोत्साहित हो जाता है, मानसिक यंत्रणा से गुजरता है जी जी, तो प्लास्टिक सर्जरी उसको फिर से एक नया जीवन देती है जी। एक फोन है, हेलो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? जी अभेश मिश्रा शाहजहांपुर से बोल रहे हैं सर। अच्छा। प्रणाम आपके लिए और डॉक्टर साहब के लिए। प्रणाम प्रणाम, बोलिए मिश्रा जी। सर्जरी जो है सर वो किन किन अंगों पे की जा सकती है? प्लास्टिक सर्जरी मेडिकल साइंस का एकमात्र ऐसी विधा है जो सर से बाल लगाने से लेकर और पैर के तलवे के बनाने तक होती है। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो प्लास्टिक सर्जरी से बचा हो या जहाँ प्लास्टिक सर्जरी से कोई फायदा ना हो सके। हेयर ट्रांसप्लांट भी हम लोग करते हैं और तलवे का रिकंस्ट्रक्शन भी हम लोग करते हैं, हर चीज प्लास्टिक सर्जन करता है। शरीर पर कहीं भी घाव है तो उसको पूरा ठीक करने का जिम्मेदारी प्लास्टिक सर्जन की है। और सर ये बताइए कितना महंगा होता है? कितना? बिल्कुल भी महंगा नहीं होता। ये एक भ्रांति है कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत महंगी है, बिल्कुल भी महंगी नहीं है। कोई भी ऑपरेशन जितने पैसे में, सामान्य पैसे में होता है, जैसे गॉल ब्लैडर, हर्निया, इन जैसे ऑपरेशन भी जो जितने पैसे में होते हैं उतने ही पैसे में प्लास्टिक सर्जरी भी हो जाती है।
बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, इतनी दूर से हम कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, बहुत लोकप्रिय और ज्ञानवर्धक है सर। चलिए बहुत धन्यवाद, इतनी दूर से आपने फोन किया, अच्छी जानकारी के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजीव शर्मा जी, कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करते हैं, क्योंकि आग से जलने के उपायों के बारे में आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। बहुत सारे लोग जो ईश्वर ने, प्रकृति ने उन्हें स्वरूप दिया है, उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, चाहते हैं, कोई सोचता है अरे मेरी नाक छोटी ही क्यों है, मेरी नाक बहुत बड़ी क्यों है, मेरी पलकें ऐसी हैं, ओंठ, खासकर महिलाएं बहुत इसके लिए जागरूक होती हैं कि हमारे ओंठ बहुत मोटे हैं या बहुत पतले हैं, ऐसे होने चाहिए थे। तो क्या इन सब में भी प्लास्टिक सर्जरी उनका सहयोग करती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा है पूछा आपने सवाल। देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी का ही हिस्सा है जी। इसमें जो स्वस्थ आदमी है, सामान्य आदमी है, लेकिन भगवान के यहाँ भी गलती होती है जी, जी। भगवान के यहाँ भी कभी चपटी नाट बन जाती है, कभी आंट टेढ़ी बन जाती है जी। कुछ बच्चे पैदा हो जाते हैं उनके होंठ कटे होते हैं, कुछ का एक कान ही नहीं होता, तालू कटा होता है। तो भगवान के यहाँ जब ऐसी गलती हो जाती है तो हम प्लास्टिक सर्जन का कर्तव्य बनता है कि उसको ठीक करके और पुनः उसको एक सामान्य आकार और स्वरूप दे दे जी। जिससे वो जिंदगी में आगे एक पॉजिटिव जीवन जी सके जी। और कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे आपके मान लीजिए नाट बहुत लंबी है जी। आपके चेहरे के हिसाब से वो लंबी नाट सूट नहीं करती है, तो प्लास्टिक सर्जन उसको नाक को छोटा कर सकता है, ऊंचा कर सकता है, मोटा कर सकता है, पतला कर सकता है, आपके चेहरे और आपके वेशभूषा के हिसाब से, जिससे आपका रूप और आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। कॉस्मेटिक सर्जरी बेसिकली क्या करते हैं, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है जी। और आपके जीवन जीने के नया संचार करती है, आप में विश्वास का संचार करती है कि भाई हम अच्छे से जी सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि नाक अगर बड़ी है तो उसको छोटा किया जा सकता है, एक सामान्य प्रश्न मेरे मन में है कि आप क्या करते हैं, कि नाक को काट कर छोटा कर देते हैं या क्या? और देखिए, नाक का पहली बात, जितने भी ऑपरेशन ऐसे कॉस्मेटिक सर्जरी वाले होते हैं जी, उसमें भी कोई भी कटे का निशान सामने नहीं आता। अच्छा, तो राइनोप्लास्टी कहते हैं हम लोग नाक के कॉस्मेटिक ऑपरेशन को, राइनोप्लास्टी या नेजल रिकंस्ट्रक्शन जब भी हम लोग करते हैं तो सारा काम नाक के अंदर से होता है जी। तो इसलिए नाक जब हम वापस आए आपको दिखेगी तो उसमें कहीं कोई निशान नहीं दिखेगा। सामान्य आदमी को तो ये भी नहीं समझ में आएगा कि ऑपरेशन कहां से हुआ। और जो सामान्य को बेहतर कर दे वही कॉस्मेटिक सर्जरी जी। अच्छा, जो कटे ओंठ और तालू की बात आपने की, ये जो बच्चों में जन्मजात विकृति होती है ये, जी जी। इस विकृति को जैसे किसी का ओंठ या तालू कटा है और उसने आपसे संपर्क किया, तो ये क्या हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि किस उम्र तक के बच्चों में ये ऑपरेशन करवा लेना चाहिए? जी, मैं आपको बता दूं कि कटे होंठ तालू एक काफी कॉमन समस्या है और हम लोग इस संदर्भ में अब तक 20,000 ऑपरेशन मैं खुद अपने जीवन में कर चुका हूं। जी। कटे होंठ का बच्चा हो तो उसका मिनिमम है 3 महीने उसकी उम्र हो जाए तब उसका ऑपरेशन जा सकता है, और कटे तालू हैं तो साल भर की उम्र के बाद उसका ऑपरेशन किया जा सकता है जी। लेकिन इसकी ऊपर की कोई उम्र नहीं है जी। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक माई का ऑपरेशन किया, उनकी 80 साल उम्र थी, वो दादी थी जी जी। उनका होंठ कटा हुआ था, मैंने उनका ऑपरेशन किया तो मैंने पूछा कि दादी अब इस समय जीवन की सांधे वेला में आप ये ऑपरेशन क्यों करा रही हैं? तो उन्होंने बताया कि मुझे पोते की शादी में फोटो खिंचवाना है। वाह। तो जीवन में कभी भी आदमी को ये बुरा नहीं दिखना चाहता जी जी जी। एक सामान्य मानव लक्षण है कि आदमी अपने आप को अच्छा दिखना चाहता है जी। इसलिए हमारे समाज में इस तरह की भ्रांतियां फैली हुई है ना कि कॉस्मेटिक सर्जरी नुकसान करती है, फिर बाद में साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत महंगी है, ये सब भ्रांतियों को दिमाग से निकाल दें। आपके शरीर में कोई भी समस्या हो जिससे आप हीन भावना से ग्रसित हो तो तुरंत प्लास्टिक सर्जन से संपर्क करें, अपनी उस हीन भावना से बाहर आएं और जीवन में नए उमंग और नए उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण में लग जाएं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़े जो भी उपाय हैं, यदि उनका कोई प्रयोग करवाना चाहता है, सहारा लेना चाहता है, तो ये जो समस्याएं होती है, एक सामान्य तौर पर उपचार कितने दिनों तक चलता है? देखिए पांडुरंग जी, जैसे आप जानते ही हैं कि कोई भी मेडिकल फील्ड में इलाज एक जैसा नहीं है। अब गॉलब्लैडर का ऑपरेशन हुआ तो पहले 7 दिन लगता था अस्पताल में, आज तो सुबह भर्ती हो शाम को घर चला जाता है आदमी गॉलब्लैडर में। उसी तरह से कॉस्मेटिक सर्जरी भी आप 2-3 दिन के लिए अस्पताल में मुश्किल से भर्ती रहना पड़ता है, उसके बाद 2-3 दिन घर में आराम, मतलब आप ये समझिए कि अगर हफ्ते भर का समय है किसी के पास तो कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी का ऑपरेशन आराम से करा सकता है।
आजकल हमारे पांडुरंग जी एक बात बताना चाहते हैं, हमारे समाज में मोटापा बहुत बढ़ रहा है। जी जी जी, ये हम लोग जंक फूड खा रहे हैं, पिज्जा पी रहे हैं, इससे इतना ज्यादा मोटापा बढ़ गया है कि ये समाज में एक बीमारी जैसा रूप ले लिया है। और आप देखेंगे जगह जगह स्लिमिंग सेंटर खुल रहे हैं जी, जो बहुत ही अनाप शनाप पैसा लेते हैं और उनसे कोई फायदा नहीं होता जी। तो इस जगह पर प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जर बहुत अच्छी मदद कर सकता है। आपके अनचाहे मोटापे को, चाहे पर वो कहीं पर हो, चाहे वो गर्दन में हो, चिन में हो, ठुड्डी में हो, पेट पर हो, जांघों पर हो, हम लोग वहां से फैट कहीं से भी निकाल सकते हैं। इसको एक प्रक्रिया कहते हैं लाइपोसक्शन। नए नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, इससे हमें छोटा सा छेद बना के, सेंटीमीटर भर छेद बना के, उसमें एक विशेष प्रकार का उपकरण डाल के फैट को गला के, चर्बी को गला के खींच लेते हैं बाहर। तो मरीज का एक घंटे के ऑपरेशन के अंदर ही करीब 5 से 6 किलो वजन कम हो जाता है। तो वो बिल्कुल ही नया रूप आ जाता है। और कभी कभी होता है कुछ बहुत ही ज्यादा लोड मोटे होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी। तो उसके लिए एब्डोमिनोप्लास्टी का ऑपरेशन होता है, इसमें पेट के आधे हिस्से को हम लोग कम कर देते हैं जो नीचे लटका होता है। तो इससे मरीज में क्या होता है, वो फिर से एक पॉजिटिव रोल जी पाता है सोसाइटी में। नहीं तो वो इतना ज्यादा जो मोटे हो जाते हैं वो चल फिर नहीं पाते, उनकी कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है। तो इन सबकी झेलने की आवश्यकता नहीं है। अब मेडिकल साइंस ने उन्नति कर ली है कि अगर कोई भी मोटापे से परेशान है, फीमेल्स में बड़े ब्रेस्ट हो जाते हैं, उससे भी उनको पीछे बैक में बैक पेन होने लगता है, शोल्डर पेन होने लगता है, तो ऐसी समस्याओं की प्लास्टिक सर्जरी में बहुत अच्छा निदान है। तो आप किसी भी प्लास्टिक सर्जन से अगर संपर्क कर ले कोई, तो उसका हफ्ते 10 दिन के समय में, एक सामान्य ऑपरेशन के खर्चे में आराम से, इत्मीनान से इलाज हो जाएगा और वो जीवन में एक नए तरह से जी लेगा। जी, बहुत सारे ऐसे उपाय डॉक्टर संजीव शर्मा जी ने बताए हैं जिनके जरिए हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, अपने आप को सुडौल और सुंदर दिखने में मदद डॉक्टर साहब की ले सकते हैं और सुंदर दिख सकते हैं। तो बहुत अच्छी बातें हुई हैं। चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? स्वस्थ रहें, खुश रहें और आजादी का अमृत उत्सव मनाएं। क्या बात है, हर घर तिरंगा अभियान है तिरंगा। तो निश्चित रूप से हम जो हमारे देश की आन बान और शान तिरंगा है, उसको अपने घरों पर लहराएं, फहराएं और आजादी के अमृत महोत्सव में सक्रिय भागीदारी निभाएं। चलते चलते डॉक्टर साहब आपको क्या सुनवा दें, आपकी पसंद का कौन सा गाना है बताइए। पुराना गाना है साहब, जो नजरों से कह दूं कि निशाना चूकना। क्या बात है, 20 साल बाद फिल्म का ये गीत है तो हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। और अब प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार, जिन्हें हम डॉक्टर संजीव शर्मा के नाम से भी जानते हैं, आप हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भदवर वाराणसी से जुड़े हुए हैं, ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अब अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार, धन्यवाद। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी, मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी, कातिल तुम्हें पुकारो के जाने वफा कहूँ। हैरत में पड़ गया हूँ कि मैं तुमको क्या कहूँ। जमाना है तुम्हारा, जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तुम्हारी शरारत से न जाने किसकी मौत आए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी, हाय कितनी मासूम लग रही हो तुम। तुमको जालिम कहे वो झूठा है। ये भोलापन तुम्हारा, ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शोखी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की।
पापन तुम्हारा ये शरारत और ये शोखी जरूरत क्या तुम्हें तलवार की तीरों की खंजर की नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए जरा नजरों से कह दो जी हम पे क्यों इस कदर बिगड़ती हो छेड़ने वाले तुमको और भी हैं बहारों पर करो गुस्सा उलझती है जो आंखों से हवाओं पर करो गुस्सा जो टकराती है जुल्फों से कहीं ऐसा न हो कोई तुम्हारा दिल भी ले जाए जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए जरा नजरों से कह दो जी।